आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव नगलिया पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। 2000 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान औसाफ अली ने अपने हाथों में संभाल रखी है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्षों में कितना विकास यहाँ हुआ है और क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के ग्राम पंचायत नगलिया में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे यहाँ बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक करवाए हैं? विकास कार्य में सीसी बनवाई, खड़ंजे बनवाए और हमारे यहाँ ज़्यादा विकास जो कायाकल्प स्कूल में ज़्यादा हुआ। स्कूल की तरफ आपने ज़्यादा ध्यान दिया? प्राइमरी 2 स्कूल हैं, मेरे से पहले ना वहाँ पर बाउंड्री थी, खिड़की दरवाजे बिल्कुल खस्ता हालत में थे, जिसमें मैं समझता हूँ दिल्ली का ज़्यादातर स्कूल के विकास पर खर्च टाल लगी है। आवास मिले हैं आपके ग्राम पंचायत में लोगों को? नहीं, हमारे कार्यकाल में कोई आवास नहीं है। कोई आवास नहीं मिला है? पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन वगैरह मिली है, पेंशन वगैरह बनी है, कुछ वृद्धा पेंशन, बाकी पेंशन तो नहीं बनी है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, आपके गाँव में सभी को मिला है इनका लाभ? हाँ, इसका लाभ तो मिला है। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, कितने परसेंट लोगों का यहाँ? मैं समझता हूँ 70% लोगों के पास पूरा नहीं मिल पाया, बाकी कोशिश जारी है। ऑनलाइन कराया, जहाँ कुछ कमी है पूरी करा रहे हैं। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई ना? इसके लिए बजट हमारा ना काफी, बजट कम आप करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बने हैं गांव में सभी के? आयुष्मान कार्ड शायद हमारे नहीं, मतलब बने ही नहीं है, या कोई प्रक्रिया आपके गाँव में शुरू ही नहीं की गई इस तरह की? पूर्व में जो प्रक्रिया हुई उसमें शायद प्रक्रिया ना हो पाई हो, इसलिए यहाँ पर यहाँ नहीं मिल पाएंगे। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? साफ सफाई की व्यवस्था सही है, कोशिश कर रहे हैं। सफाई कर्मी सब नियमित आते हैं? सफाई कर्मी नियमित आते हैं, उनसे हम लोग कहते भी हैं। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ बारात घर है? नहीं, यहाँ बारात घर पंचायत भवन, पंचायत भवन भी यहाँ पर है, लेकिन वो गैर आवाज जो मेरे हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे प्राथमिक विद्यालय बोला नंगले में, नंगलिया प्राथमिक विद्यालय में बना हुआ। खेल का मैदान ना कोई मैदान। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग तो यह है, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जल की, शुद्ध पानी यहाँ का दूषित है, दूषित है। बराबर में जो बहरला नदी बहती है, जी जी, उसमें काशीपुर से फैक्ट्री का जो कचरा, जी ये समस्या हमने देखा आसपास के गांवों में काफ़ी है कि यहाँ पीने का पानी बहुत ही दूषित है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं, यहाँ ओवर हैंड टैंक के लिए निर्माण करवाना चाहिए? ओवर हैंड टैंक लगाना, दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और शिक्षा है, शिक्षा में क्या कहना है? शिक्षा में जूनियर हाई स्कूल नहीं है यहाँ पर, जी हाई स्कूल, और प्राइमरी में भी अब सुधार आया है, पहले के मुकाबले सुधार है जी, लेकिन अभी भी कम है। अभी इस पंचवर्षीय में सरकार ने शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान करते हुए काफ़ी पैसा भी जो है ग्राम पंचायत में स्कूलों में लगाने के लिए दिया है। स्कूल का काफ़ी सौंदर्यकरण भी प्रधानों द्वारा करवाया गया है जी। उससे गत वर्षों में जो पिछले मतलब पिछले इतने साल गुजरे हैं उनमें और अब में क्या शिक्षा में और छात्रों की संख्या में कुछ बदलाव यहाँ देखने को मिला होगा? हाँ, काफ़ी बदलाव आया जी, शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है? शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले बेहतर बेहतर है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास अब तक यहाँ करवाया जा चुका है, सीसी टाइल्स कार्य, आवास यहाँ किसी को नहीं मिला है, शौचालय से गाँव उड़ीयक हो चुका है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी है जिनसे गाँव वाले जूझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या पीने के पानी की है, जो कि बहुत ही ज्यादा दूषित है, जिसके लिए प्रधान यहाँ मांग करते हैं कि यदि ओवरहैंड टैंक यहाँ बनवाया जाए तो लोगों को साफ पानी और शुद्ध पानी यहाँ पीने के लिए मुहैया हो सकेगा। इसके साथ ही शिक्षा की तरफ रुझान करते हुए प्रधान जी मांग करते हैं
कि यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल बनना चाहिए। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। जी क्या नाम आपका? नरेश कुमार। जी यहाँ पे 4 वर्ष हो गए ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को, यहाँ विद्यालय में क्या क्या काम कराया, विकास कराया? विद्यालय में ये चारों कमरों में टाइल्स लगवाई हैं और भराप का मिट्टी का कार्य करवाया है। 4-5 कमरे हैं, 5 कमरों में टाइल्स है, मिट्टी का कार्य करवाया और बाउंड्री वाल करवाई है, गेट लगवाया है और खरंजा डलवाया है और संबंधित मार्ग से जोड़ा है। अब कोई समस्या नहीं आने जाने में स्कूल? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है। जी सर क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष है। किस पद पर हैं आप? मैं प्रधानाध्यापक के पद पर हूं। यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा या विद्यालय में क्या क्या विकास क्या कराया गया? हमारे ग्राम प्रधान जी द्वारा यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री कराई गई है, गेट लगाया गया है, 5 कमरों 3 अतिरिक्त कक्षों में टाइल लगवाई गई है, स्कूल की पूरी बिल्डिंग में टाइल लगवाई है और खिड़कियों में काम कराया गया है, वेल्डिंग करा के वेल्डिंग मशीन ला के और भी कोई काम और शौचालय जितनी जरूरत है उतनी यहाँ पे। हाँ पूरा जो भी मतलब इन्होंने काम किया था बढ़िया काम हुआ है सर। समय समय पर ध्यान देते हैं? ठीक ठीक समय समय पर ध्यान देते हम तो रहते ही हैं, यहाँ काम होता है तो।